जिसका अनुमान आप काफी समय से लगा रहे थे वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। और इस तरह से अटकलें हकीकत में बदल गई। कांग्रेस ने खुशी खुशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित के नाम का ऐलान किया। शीला पर लगाए गए इस दांव पर कांग्रेस को बहुत भरोसा है। शीला दीक्षित खुद भी इस नई जिम्मेदारी को लेकर जोश में है। उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं बड़ा ज्यादा प्रांत बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत कर। 78 साल की शीला दीक्षित को सीएम उम्मीदवार बनाने के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही है। एक तो उनका ब्राह्मण होना, दूसरा दिल्ली में शीला के 15 साल का कामकाज। पार्टी को उम्मीद है कि शीला का चेहरा राज्य के करीब 12% ब्राह्मण वोटरों को अपनी ओर खींच सकता है। जातिगत समीकरण तो दूसरी पार्टियां करती हैं, हम समाजगत समीकरण देख रहे हैं। हम उस समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें ब्राह्मण समुदाय, जो हर समय सम्माननीय स्थान पर था, हमारे देश को संदेश, समाज को संदेश देता रहा, उसको भी हतोत्साहित और अपमानित करने का काम और तथाकथित पार्टियां करती रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि यदि हाईकमांड उनको यूपी के चुनाव में एंगेज करना चाहता है किसी कैपेसिटी में, तो यूपी के चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो उनकी योग्यता को देखते हुए मैं समझती हूँ कि यूपी का कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम है। शीला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के साथ ही कांग्रेस ने यूपी में अपने प्रचार कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैंपेन कमेटी का भी ऐलान किया है, जिनमें ज्यादातर वरिष्ठ चेहरे को जगह दी गई है। राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद सीएम उम्मीदवार के तौर पर शीला का चेहरा सामने लाकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी मुहिम में तेजी ला दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, कोई भी कांग्रेस के इस कदम को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। यूपी का मामूली सब दल सब कुछ करेंगे, जनता आकलन करेगी और जनता देखेगी काम किसने किया है। देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है वो किसको कैंडिडेट बनाए, लेकिन मैं समझता हूँ एक डूबते हुए जहाज के मोहरे बदल बदल कर कभी वो राज बब्बर जी को, कभी मसूद साहब को, कभी शीला दीक्षित जी को, कभी प्रियंका जी को, न जाने कितने नामों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए तो खास तौर पर अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 29 सीटें जीती थी, जबकि 31 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। सवाल है अगले विधानसभा चुनाव में यूपी की बहू शीला दीक्षित कांग्रेस को राज्य में कितना ऊपर ले जा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।